तो धीरे धीरे करके WWE के साथ साथ मंडे नाइट रॉ की जो रेटिंग्स है वो भी बैक ऑन ट्रैक आ रही है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंटली जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो ट्रिपल एच की तरफ से कमाल का मंडे नाइट रॉ का शो था। आखिर ये हुआ था मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर। लेकिन इस हफ्ते जो रॉ की रेटिंग्स आई है सामने भाई, वो सुन के हैरान हो जो कि काफी तगड़ा उछाल आता हुआ नजर आया इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप के अंदर। साथ में जो हमारे किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच है वो भी साल के समर स्लैम के अंदर कुछ मैसिव चेंजेस करने वाले हैं। कुछ फ्री एजेंट और जो फॉर्मर WWE सुपरस्टार है वो भी वापस आना चाहते कंपनी के अंदर। विंस मैकमैन के ऑफिस का एक पोस्टर भी स्पॉट किया गया रिसेंटली रॉ के बैकस्टेज पे। और रोमन रेंज ने फाइनली ये बात रिवील कर दी है क्या वो रीजन है ब्रॉक लेसनर का इन फ्यूचर फेस नहीं करना चाहेंगे, उनका क्या पूरा रिएक्शन है, उनकी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं उनके बिजी शेड्यूल के अलावा जब वो पार्ट टाइमर बन चुके। साथ ही में रोमन ने और भी काफी सारी बातें कही अपने रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर, तो पूरा इंटरव्यू हम लोग कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल शुरू करते पहले वीडियो को हमारी क्विक अपडेट के साथ में रिसेंटली मंडे नाइट रॉ एपिसोड की रेटिंग्स के बारे में जुड़ी है। जो रिसेंटली रॉ का एपिसोड था ये होता मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर, फॉर श्योर कमाल का शो था। वो अलग बात है शो पर कोई रिटर्न नहीं होती जो कि हम लोग एज के रिटर्न एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी शो देखा जाए ओवरऑल एक अच्छा खासा शो था। और शो के मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंस का मैच ऑफिशियल होता हुआ नजर आता है। अच्छा बात करें पहले रॉ की एवरेज व्यूअरशिप के बारे में, जो रॉ की एवरेज व्यूअरशिप आई है तीनों घंटों की वो काफी बेहतरीन आई है पिछले हफ्ते के मुकाबले। और इस हफ्ते व्यूअरशिप पहुंच चुकी है 1.901 मिलियन व्यूवर्स तक, जो कि 2 मिलियन के आसपास ही कहीं ना कहीं। इसे पिछले हफ्ते में 1.785 के आसपास व्यूअरशिप आई थी। बात करूं पहले घंटे के बारे में, पहले घंटे में 2.019 मिलियन व्यूवरशिप आती है, दूसरे घंटे में व्यूवरशिप आती है 1.974 मिलियन व्यूवर्स, और तीसरे यानी कि फाइनल घंटे के अंदर रेटिंग्स आती है 1.711 मिलियन व्यूवर्स। अब हल्की सी हैरान कर देने वाली बात याद है कि भाई जो रोमन रेंस है उनका मैच ऑफिशियल था मेन इवेंट वाले सीन में, लेकिन फिर भी जो रेटिंग्स है उनमें डाउनफॉल आता हुआ नजर आया। तो मेरे हिसाब से अगर यहां पर रोमन शो पर नहीं होते तो जो स्टार्टिंग वाली रेटिंग्स है वो भी गिरती हुई नजर आती है, क्योंकि शो की ओपनिंग भी उन्होंने की थी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए मंडे नाइट रॉ ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है तीनों घंटों में, और जो व्यूअरशिप है एवरेज वाले वो काफी बेहतरीन आई है। लगे ऐसे ट्रिपल एच WWE को भी और रॉकी रेटिंग्स भी धीरे धीरे करके एक बार फिर से बैक ऑन ट्रैक लाते हुए नजर आएंगे। बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, इस बार ये जुड़ी है विंसेंस केनेडी मैकमैन के बारे में। और हमारे विंस मैकमैन का भी एक पोस्टर स्पॉट किया गया रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर, जिसे फैंस का ये मानना है कि विंस मैकमैन स्टिल CEO एंड WWE के। अब चलो वो तो ऐसे ही एक तरह की कहने वाली बात है, लेकिन रिसेंट टाइम में जो रोमन रेंस की एक बैक स्टेज की फोटो आई सामने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन की, वो फोटो आप लोग देख पा रहे, यहाँ पर उनके सामने दो एक्टर वगैरह, और यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक पोस्टर छपा हुआ है जहां पर लिखा है विंस ऑफिस, और जो स्मोकिंग वगैरह उसके ऊपर एक बैन वाला साइन लगा हुआ है, नीचे चाय की आप कह सकते फोटो वगैरह चिपकी हुई है। अब लोगों का मानना ये कि भाई विंस मैकमैन का जो ऑफिस वाला पोस्टर है या फिर विंस मैकमैन स्टिल WWE के अंदर, उसके पोस्टर तो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर है। तो देखो सीन कुछ इस तरीके से, अभी थोड़ी WWE वालों ने पूरा डिसाइड किया था कि भाई विंस हट जाएंगे एक महीना पहले, लेकिन मेडिसिन स्क्वायर गार्डन की जो तैयारी है WWE 15-20 दिन पहले से करती है, या फिर किसी भी शो की भाई वहां जाती है इवेंट पूरे सेटअप करती है सारी चीजें उन्हों। तो कुल मिला के पहले का पोस्टर हो सकता है। अभी फिलहाल जो विंस मैकमैन है पूरे तरीके से WWE से जा चुके हैं, टेंशन लेने वाली ज्यादा कुछ बात नहीं इस वाले पोस्टर को लेकर। धीरे धीरे विंस गए, धीरे धीरे पोस्टर भी चला जाएगा। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है द किंग ऑफ द किंग्स द रेबल असैसिन द गेम ट्रिपल एच के बारे में। और लग ऐसा रहा जो ट्रिपल एच है वो भी साल की समर स्लैम के अंदर कुछ मैसिव चेंजेस करने वाले हैं। आखिर वो क्रिएटिव हेड बन चुके हैं भाई, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि साल के समर स्लैम के अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए तो फॉर श्योर वो में करते हुए नजर आएंगे। और ये जो रिपोर्ट है वो जाने माने ट्रस्टेड सोर्स रेसल वुड्स की तरफ से आती है सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे। और वो यहाँ पर ये बात रिवील करते हैं कि इस साल का जो समर स्लैम का शो होने वाला है वो ऑफकोर्स क्रिएटिव वाइज से पूरा कंट्रोल में रहने वाला ट्रिपल एच के। और जो ट्रिपल एच है उनका एक तरह का मोटिव है क्रिएटिव स्प्लैश देते हुए नजर आए इस वाले इवेंट के अंदर, यानी कि पूरी दुनिया को दिखा दे, सभी को दिखा दे भाई एक्चुअल में जो क्रिएटिविटी है, या फिर अगर आप क्रिएटिव हेड हो तो आप क्या कुछ कर सकते हैं WWE के शोज के अंदर। एक तरह का अपनी छाप छोड़ने की बारी ट्रिपल एच की, ऐसा कुछ कहना उनका समर स्लैम को लेकर। इसलिए कुछ वो चेंजेस हमें करते हुए नजर आएंगे इस वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में, लेकिन वो चेंजेस सिर्फ सेंस वाले होंगे। ऐसे नहीं होगा भैया ट्रिपल एच को ऐसा लगा नहीं भैया सेंसलेस चेंजेस कर देते हैं, कुछ बड़ा कर देते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। जो स्टोरी लाइन वाइज सही होगा या फिर जो ट्रिपल एच को ऐसा लगेगा नहीं इस स्टोरी के अंदर हम लोग बेटर करने के लिए ये चीज ऐड ऑन कर सकते हैं, तो सिर्फ वो चीजें ट्रिपल एच करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल जितनी उनके पास चीजें अवेलेबल है उनको लेकर जो ट्रिपल एच है समर स्लैम को और बेटर बनाने का ट्राई कर रहे हैं, और भी ज्यादा उससे अच्छा बनाने का ट्राई कर रहे हैं। और मैं होप ये करूंगा मैचेस की एंडिंग और कमाल की होती हुई नजर आए। और साथ ही मैं भी बताया जा रहा हूं ऑलरेडी जो पेस है समर स्लैम की चेंज हो चुकी है, यानी कि जो फैंस है कहीं ना कहीं वो और भी एक्साइटेड हो चुके हैं समर स्लैम के लिए। मजा आने वाला है साल के समर स्लैम के अंदर। और ट्रिपल एच अब जो क्रिएटिव हेड है तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि समर स्लैम के अंदर कोई भी फुलिश एंडिंग नहीं होगी, कोई भी ऐसी एंडिंग नहीं होगी जिसे हम देखे कहेंगे यार क्या वाहियात में एंडिंग थी, मैच तो वैसे काफी कमाल का था। लेकिन ट्रिपल एच कंट्रोल में समर स्लैम मजेदार शो होने वाला है। उसके बाद क्लैश एट द कैसल होगा जिसे पूरे तरीके से ट्रिपल एच बुक करने वाले, तो वो और भी ज्यादा कमाल का शो होने वाला है। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार कुछ फ्री एजेंट्स और फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स के बारे में जुड़ी है, जो कि रेडियम WWE के अंदर
अपने कमबैक के लिए, और उसका भी रीजन ट्रिपल एच ही है। ये वाली जो अपडेट है वो रिंगसाइड न्यूज की तरफ से आती है सामने, और जो फाइटफुल सिलेक्टेड वाली बात को कंफर्म भी करता हुआ नजर आता है वो ये बात रिवील करते हैं कि रीसेंट टाइम में उन्होंने WWE के कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज या फिर फॉर्मर WWE सुपरस्टार से बात की है जो कि अब इंटरेस्टेड है अपने WWE के कमबैक के लिए। वो बताते हैं उन्होंने कैसे NXT टैलेंट से बात की, जो इसके पास ऑप्शन था कि वो WWE के अंदर जाए या फिर वो जाए हमारे किसी और कंपनी के अंदर। और तब वो था जब उसका NXT कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था, उसने चोज किया कि वो WWE को लीव करेगा और जाएगा AEW कंपनी के अंदर। लेकिन अब उसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से कि हाँ भाई मैं AEW में आके खुश तो हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे WWE के अंदर वापस आना चाहिए क्योंकि WWE पहले के मुकाबले काफी डिफरेंट हो चुके हैं और वहाँ पर जो क्रिएटिव फ्यूचर है वो काफी पहले से बदल चुका है। एक तरह का सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर आ चुका है WWE सुपरस्टार्स के अंदर, और AEW सुपरस्टार्स के अंदर भी अगर आप मेन रोस्टर में जाओगे तब भी आपको बेनिफिट ही होने वाला है। इवन ये बताया जा रहा है कुछ जो भी फिलहाल फ्री एजेंट्स है यानी कि जो किसी भी कंपनी के साथ में नहीं है, जैसे जॉनी गार्गानो हो गए, ऐसे कुछ सुपरस्टार्स जो कि अब इंटरेस्टेड है एक बार फिर से WWE कमबैक के लिए, उनका एक बार फिर से WWE के ऊपर भरोसा जाग चुका है। हाँ भाई उन्हें वापस आने कंपनी के अंदर मजा आने वाला है। इवन ये बताया जा रहा है कुछ AEW सुपरस्टार्स का मानना ये भी है कि अब उन्हें ट्रिपल एच के अंदर भी काम करना है स्मैकडाउन में या फिर मंडे नाइट रॉ में। काफी लोग जिनका जो कॉन्ट्रैक्ट पहले एक्सपायर होने वाला था उनका मन नहीं था रीसाइन करने का, लेकिन अब वो भी WWE के साथ में रीसाइन करते हुए नजर आने वाले हैं। ओवरऑल ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन के कारण जो उनकी पोजीशन मिली WWE में तगड़ी वाली, उससे काफी सारे सुपरस्टार्स की उम्मीद जगी और काफी सारे सुपरस्टार्स एक बार फिर से इंक्लूडिंग फ्री एजेंट एंड नेक्स्ट WWE सुपरस्टार वो कंपनी के अंदर वापस आना चाहते हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है हम सभी के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन न्यूज है। मैं कह रहा हूँ एडम कोल, कीथ ली, ये सब एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आ जाए कितना मजा आने वाला है। इमेजिन कर सकते हैं डिस्प्यूटेड एरा को मेन रोस्टर के अंदर। पहले रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी रिलीज के बारे में डिमांड कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है अब वो WWE कंपनी से नहीं जाएंगे। प्लस यहाँ पर हमारे जॉनी गार्गानो भी WWE कंपनी के साथ में एक बार फिर से रीसाइन करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है जब आप फ्री एजेंट्स और फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स कंपनी के अंदर कमबैक करना चाहते हैं ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन की तगड़ी पोजीशन के बाद? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे, आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रिसेंट टाइम में टुडे शो के ऊपर जो कि NBC के ऊपर आते हैं वहां पर रोमन रेंस का इंटरव्यू होता है, और इस वाले इंटरव्यू के अंदर काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। क्या वो रीजन है वो एक बार फिर से ब्रॉक के साथ में इन फ्यूचर समर स्लैम के बाद कंपीट बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, और वो क्या कुछ कर रहे हैं फिलहाल करंटली उन्हें WWE कंपनी के अंदर। इंटरव्यू की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, पहले रोमन से कहा जाता है कि ऑलरेडी आपने रेसलमेनिया के अंदर ब्रॉक को हरा दिया, अब सुपर स्लैम आने वाला है तो वहां पर आपका क्या कुछ होने वाला है भैया प्लान? तो यहां पर रोमन तुरंत करेक्ट करते हैं, वो कहते हैं सुपर स्लैम नहीं, समर स्लैम होने वाला है। अच्छा मैं शुरुआत करता हूं बात को, देखो मेरा और ब्रॉक का मैच एक बार फिर से इस साल समर स्लैम के अंदर होने वाला है, और जो मेरा करंटली WWE के अंदर गोल है वो कुछ इस तरीके से है, मुझे वो चीजें करनी जो कि आज तक किसी ने नहीं की है, वो डोमिनेट करना ब्रॉक लेसनर को। मैं ये चीजें WWE के अंदर कर रहा हूं, मैं अपना हाईएस्ट लेवल जो एक तरह का अनलॉक करने का ट्राई कर रहा हूं, अब मैं वो सारी चीजें करने का ट्राई कर रहा हूं जो कि आज तक WWE के अंदर कोई भी नहीं कर पाया। मैं फिलहाल डिफरेंट लेवल के ऊपर जा चुका हूं, मैं WWE के अंदर कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूं जो कि शायद आने वाले टाइम में कोई भी नहीं कर पाएगा। अच्छा मैं बात करूं मेरे और ब्रॉक के मैच के बारे में, तो अब ये जो मैच है मैं उम्मीदें करूंगा एक आखिरी बार मैच, क्योंकि यार ये दर्द पहुंचाता है मैच। अब ब्रॉक लेसनर एक ब्रूटल इंसान है उस रिंग के अंदर, उसका हमने देखा भाई कितना बड़ा तगड़ा सुपर स्टार हैवी वेट्स है, UFC के अंदर कंपीट कर चुका है, तो कुल मिला के उसके सामने तुम्हारा आमना सामना आप ये समझ सकते हो आपकी हड्डियों की ऐसी तैसी होने वाली है। वो एक फॉर्मर UFC हैवी वेट चैंपियन भी रह चुका है, वो डोमिनेट उसने WWE में भी किया है एक लंबे टाइम तक, लेकिन प्रॉब्लम भी आ चुकी है। अब रोमन रेंस आ चुका है जो कि उसे डोमिनेट कर रहा है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा ये जो मैच है मेरा इस बार ब्रॉक लेसनर के साथ में वो आखिरी मैच है, क्योंकि भाई ब्रॉक के हिसाब से रोमन के हिसाब से ये जो मैच है काफी दर्द उन्हें पहुंचाता है। साथ में उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, जब उनका बिजी शेड्यूल जो है काफी कम हो चुका है WWE के अंदर, एक तरह का पार्ट टाइमर वाला रोल हमें प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं देखो आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आपकी काफी बच्चे हो, यहाँ पर मेरे 5 टोटल किड्स है जिनकी मुझे पूरी देखभाल वगैरह करनी है, और मुझे ये देखना मैं उनके साथ में किस तरीके से आने वाला टाइम है और अपना बॉन्ड जो है या फिर जो रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा। इस बिजनेस के अंदर मैंने ऑलरेडी काफी सारी चीजें कर ली है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना जो टाइम है अपनी जो अटेंशन अपनी फैमिली मेंबर्स को देता हूँ नजर आऊँ, अपनी बेटी बेटों को देता हुआ नजर आऊँ जो कि मेरे टोटल 5 किड्स है, ताकि उनके साथ में जो मेरे रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग हो। मैंने टाइम दिए रिसेंट टाइम में बिजी शेड्यूल से निकाल के, और मेरे हिसाब से वो जो चीज है मेरे बॉन्डिंग को काफी स्ट्रॉन्ग कर रही है मेरी पूरी फैमिली के साथ में, जो कि एक फादर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। साथ ही में रोमन रेंस ये भी बात करते हैं क्या इन फ्यूचर उनके जो बच्चे हैं वो पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग के बिजनेस में आएंगे या फिर नहीं। वो कहते हैं देखो ये वाला जो हमारा प्रोफेशनल रेसलिंग का बिजनेस है वो खूनों खून से चला आ रहा है, द रॉक हो गए उससे पहले मेरे फादर हो गए, द रॉक के फादर हो गए, कुल मिला के रिलेशनशिप पूरा रेसलिंग के साथ में हमारी फैमिली का चला आ रहा है, तो अगर उनके बच्चे भी आते प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं रहेगी रोमन रेंस के लिए। और अल्टीमेटली जो रोमन रेंस इस वाले इंटरव्यू को कुछ इस तरीके से खत्म करते हैं कि हाँ भाई इन फ्यूचर WWE के अंदर और कमाल और बवाल करने वाले और ब्रॉक लेसनर को हरा के अपनी टाइटल को फॉर श्योर रिटेन करेंगे इस साल के समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आपके हिसाब से भी रोमन वर्सेस ब्रॉक जो इस बार एक आखिरी मैच होना चाहिए, और फाइनली रोमन ने रीजन भी रिवील कर दिया। क्या वो रीजन है? अपने पार्ट टाइम शेड्यूल
के अंदर शिफ्ट हुए हैं। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। आप कौन सी टीम में हो, टीम रोमन या फिर टीम ब्रॉक, जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।